हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक केमिस्ट्री क्लासेस। आज आपको हम केमिस्ट्री क्लास के अगर बात करें ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला, इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला जो आयनिक इक्विलिब्रियम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आज का जो टॉपिक्स रहेगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला का ही है, जो अप्लीकेशन है अप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला। मैं आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं बताया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला होता क्या है, जनरली क्या होता है। आपको हम बताया था एट द कांस्टेंट टेम्परेचर या स्पेसिफिक टेम्परेचर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन, आपको यह बताया था। अब हम उसका अप्लीकेशन पढ़ेंगे, आखिर उसका क्या अप्लीकेशन है, कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक एक करके समझें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग मोनोबेसिक एसिड के लिए ही पढ़ेंगे। मोनोबेसिक एसिड के लिए यानी फॉर मोनोबेसिक एसिड सबसे पहले मोनोबेसिक एसिड होता क्या है। मोनोबेसिक एसिड यानी एसिड का बेसिसिटी देखा जाता है। अब बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ पीएच प्लस आयन गिवन बाय एन एसिड विच डिजॉल्व इन द वाटर, यानी जितना वो एच प्लस आयन देगा वही उसका बेसिसिटी होगा। तो वैसे ही मोनोबेसिक एसिड यानी जिसमें केवल एक एच प्लस आयन हो, यानी ऐसा एसिड जिसको अगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो डिसोसिएट होकर केवल एक ही एच प्लस आयन देगा, तो ऐसे एसिड को हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। क्या बोला जाएगा? मोनोबेसिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर हम एसिटिक एसिड का बात करें तो डिसोसिएट होकर केवल एक ही एच प्लस आयन यह रिलीज करता है, एक प्लस आयन केवल रिलीज करता है, इसलिए एसिटिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड होगा, ठीक है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपका रिलीज करके एक एच प्लस और एक सीएल आयन, मतलब एक ही एच प्लस आयन दिया, एक ही प्रोटॉन दिया, सो ये भी क्या होगा? मोनोबेसिक एसिड होगा, ठीक है। तो हम लोग मोनोबेसिक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला का यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, और इस ला का यूज करके हम लोग क्या क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के निकालेंगे, इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा समझ रहे हैं, इसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयन और पीएच निकालेंगे, यानी इतना चीज हमें समझना है। खास बात है, मैं आपको लिमिटेशन में एक पॉइंट बताया था कि जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला होता है केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही फॉलो करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन पर, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पर ओबे नहीं करता है। तो हम वीक एसिड लेंगे और वो भी मोनोबेसिक एसिड लेंगे। कैसा एसिड लेंगे बच्चों? मोनोबेसिक एसिड लेंगे। तो चलो देखें, मान लें हमारे पास, पहले हम निकालेंगे के का वैल्यू, हमारे पास मोनोबेसिक एसिड फॉर्मिक एसिड मान लीजिए, यह डिसोसिएट होकर फॉर्मेट आयन और एच प्लस आयन रिलीज कर रहा है। मान लिया गया कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है फॉर्मिक एसिड का मान लिया सी मोल पर लीटर, इसका वैल्यू अभी 0.0 मान लेंगे जब टाइम 0 था या जब रिएक्शन नहीं हुआ था। जैसे टी टाइम लगा तो यह अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फा है, जिसका कंसेंट्रेशन सी है, तो ये बचा होगा एट इक्विलिब्रियम जो होगा एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, इक्विलिब्रियम पर क्या बचेगा? सी माइनस सी अल्फा बचेगा। यहां पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो इस फॉर्मेटाइल और एच प्लस में जा रहा है, और सी जो है इसका कंसेंट्रेशन है, सी क्या है? कंसेंट्रेशन। अमाउंट जो बचेगा सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा, जहां सी फॉर्मिक एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। सो हम पढ़े हैं ला ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग द ला ऑफ मास एक्शन, तो हम लिख सकते हैं K इक्वल मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या दिस इज आल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो K इक्वल आपका फॉर्मेट आयन एंड एच प्लस आयन और अपॉन फॉर्मिक एसिड HCWH। अब सभी वैल्यू दिया है, फॉर्मेट आयन का इक्विलिब्रियम पर अल्फा सी, इसका भी अल्फा सी, इसका सी माइनस सी अल्फा, तो सभी वैल्यू पुट करने पर तो देखिए क्या होगा, अल्फा सी इंटू अल्फा सी
और अपान सी सी माइनस सी अल्फा मिलेगा। अब इसमें सी कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन लेंगे तो सी सी कट जाएगा, यहाँ वन बचे, वन माइनस अल्फा। सो आपका जो आंसर आएगा के इक्वल आएगा सी अल्फा स्क्वायर अपान वन माइनस अल्फा, क्योंकि एक सी तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह आपका ये जो फार्मूला बना है ये क्या है, यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या एलोजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड उसके लिए फार्मूला है। क्योंकि यह वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप जानते भी हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वन माइनस अल्फा जो होगा, जो यहाँ पर वन माइनस अल्फा है, नियरली हो जाएगा वन के, क्योंकि यह अल्फा बहुत ही कम हो जाएगा बच्चों, यह अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा या डाइल्यूट कर सकते हैं बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए वैल्यू यहाँ रखेंगे इक्वेशन वन में। तो फ्रॉम इक्वेशन वन तो हमें निकलेगा के इक्वल हो जाएगा के इक्वल सी इंटू अल्फा स्क्वायर, सी इंटू अल्फा स्क्वायर। तो यही फार्मूला सबसे ज़्यादा अप्लीकेबल है, और इस फार्मूले में के एसिड का मोनोबेसिक एसिड का आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट या एलोजेशन कांस्टेंट है, सी जो है इस मोनो एसिड का मोनोबेसिक एसिड का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, और अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो यह रिलेशन के और अल्फा के बीच में है, ठीक है बच्चों। तो पहले से नोट कर लीजिए, नोट करें बच्चों। आप इसे नोट कर लेंगे, यहां सी का मूल्य लिया गया, सी सी कैंसिल हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। सो वन माइनस अल्फा नियरली एक होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा, इसलिए सॉल्यूशन में अल्फा लगभग जीरो हो जाएगा, सॉल्यूशन में अल्फा जीरो, ये अल्फा जीरो नहीं, ये अल्फा जीरो होगा। सो के इक्वल सी अल्फा स्क्वायर बनेगा। स्क्रीनशॉट लें, अब आगे देखें। अब हमें H प्लस का कंसंट्रेशन भी निकालना है और pH भी कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही सिंपल हमें समझने के लिए इसमें देखें। अब देखें यहाँ पर pH कैसे निकालते हैं। अगर देखा जाए H प्लस का कंसंट्रेशन जो होगा वी नो डेट अब क्या जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जस्ट इक्वल टू अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू क्या है सी, देखें H प्लस का जो कंसंट्रेशन है क्या अल्फा इंटू सी है, ये इक्वेशन नंबर दो हो गया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन वन से बात करें, फ्रॉम इक्वेशन वन तो वन में क्या पढ़े हैं, K इक्वल सी इंटू अल्फा स्क्वायर ये पढ़े हैं, तो अल्फा का वैल्यू निकालिए। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल आपका K बटे क्या हो जाएगा, K अपान सी हो जाएगा, K अपान सी, देखिए K अपान सी, या अल्फा इक्वल आपका अंडर रूट के और सी का अंडर रूट हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं टोटल का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इसका अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो अल्फा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ के अपान सी, क्लियर। नाउ दिस वैल्यू पुटिंग इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि अल्फा यहाँ है, ये भी अल्फा है, दोनों यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में रखा जाए तो अल्फा वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या बनेगा, एच प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल अल्फा वैल्यू क्या है, के ए अपान सी टोटल का स्क्वायर रूट आई इंटू क्या है सी है, इंटू क्या हो गया सी हो गया, ये सी अंडर रूट सी है, ये सी यानी इसको अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं एच प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल अंडर रूट के अपान सी का पावर वन बाई टू इंटू क्या हो गया सी हो गया। तो सी का पावर वन बाई टू है, ये सी है, देखिए वन बाई टू अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वन बाई टू में पावर लिखेंगे, वन बाई टू या डायरेक्ट अंडर रूट लिखे कोई दिक्कत नहीं आपकी इच्छा। अभी ऊपर जाएगा तो एक सी सी कैंसिल, मतलब हाफ सी है और कंप्लीट सी है, तो हाफ सी बचेगा, हाफ सी को हम अंडर रूट लिख सकते हैं। सो एच प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट के इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
अंडर रूट के इंटू अंडर रूट सी। कैसे देखें, अंडर रूट सी का मतलब सी का पावर 1/2, और सी यहाँ है, जब इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ 1 होता है ना, ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी 1 - 1/2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सी 1/c का पावर 1/2, और सी का 1/2 का मतलब क्या, अंडर रूट सी। सो आपका ये जो वैल्यू होगा ये आपका अंडर रूट सी आएगा, जो आपको मैं अलग से समझाया समझ लेंगे। अब देखिए बच्चों, ये एच प्लस का कंसंट्रेशन निकल गया, यह एच प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल टोटल का आप लिख सकते हैं कि इंटू सी लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में पूछे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस ऑफ एन एसिड हुज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है और कंसंट्रेशन दिया है, तो बाय यूजिंग ऑफ सच फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच प्लस आए, क्लियर। तो ये किस में रिलेशन है, एच प्लस और के में, तो कैसे निकला, क्योंकि हमें पता है एच प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल अल्फा इंटू सी, और वी ऑल्सो नो डेट के इक्वल सी अल्फा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर इक्वल के अपन सी, या अल्फा इक्वल अंडर रूट के अपन सी। सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो पुटिंग द वैल्यू व्हाट वी गेट हियर, एच प्लस इक्वल के अपन सी अंडर रूट इंटू सी। अब सी सी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बचेगा अंडर रूट सी बचेगा, सो एच प्लस इक्वल के इंटू अंडर रूट सी, या एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू सी, ओके, वेयर के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके नाउ पीएच, अब पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सभी लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके गुड, अब पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ पीएच वी नो डेट, पीएच का कैलकुलेशन देखिए, वी नो डेट पीएच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस, हमें पता है कि जो पीएच होता है निगेटिव लॉगरिथम एच प्लस आयन के इक्वल होता है, और वी आल्सो नो डेट एच प्लस का वैल्यू हमें पता है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच प्लस इन इक्वेशन थर्ड, या जो भी हो इन इक्वेशन थर्ड जो भी बचा, अभी वैल्यू रखेंगे, सो पीएच इक्वल माइनस लॉग इन प्लेस ऑफ एस व्हाट वी कैन पुट अंडर रूट के इनटू सी यानी के इनटू सी का स्क्वायर टोटल, ये ब्रैकेट में कर लेंगे। अब क्या करें, अंडर रूट हटाने के लिए 1/2 लिख दे पावर, सो पीएच इक्वल माइनस लॉग और ये के इंटू सी टोटल का पावर 1/2 स्क्वायर रूट हटेगा 1/2, जैसे मान लीजिए लिखा हो x, इसको क्या लिया x का पावर 1/2, सेम थिंग के इंटू सी का पावर 1/2। अब हम पढ़े फार्मूला लॉग m पावर n हो, जिसको बोलते हैं n लॉग m, बच्चों ध्यान दें, लॉग m पावर n, n लॉग m, सो सपोज ये मान लेगा m मान लेगा टोटल, इसको मान लेगा n, तो n इधर चलाएगा, सो हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग pH इक्वल 1/2 इधर आ जाएगा -1/2 लॉग के इंटू सी, के इंटू सी ये ब्रैकेट में के इंटू सी। कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में, आप कमेंट्स जरूर करेंगे अगर आपको नहीं समझ आएगा तो। एक और फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू n, अगर लॉग m इंटू n है तो इसको लिखते लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, तो देखें ये लॉग m मान लें, ये मान ले n मान ले, m इंटू n, सो लॉग k प्लस लॉग c, सो लिख सकते हैं pH इक्वल -1/2 इन ब्रैकेट में लॉग k प्लस लॉग क्या हो गया बच्चों, c हो गया, लॉग k प्लस लॉग c, चूंकि यहाँ माइनस है, -1/2 को अंदर करें तो देखिए क्या हो जाएगा, आप इसके बाद से देखें बच्चों, pH इक्वल माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा -1/2 लॉग के हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस है या माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 1/2 भी अंदर जाएगा 1/2, और लॉग क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा सी। इतना समझ आया कैसे किया गया, -1/2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हो गया -1/2 लॉग के, और दिस इज बिकम दिस पॉजिटिव चार्ज बिकम माइनस -1/2 लॉग सी। सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी एक फार्मूला है, और भी हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, देखें कैसे, चूंकि हम ये भी जानते हैं पी के ए जो होता है, पी के ए
पी के इक्वल होता है माइनस लॉग के, जैसे पीएच इक्वल होता है, जैसे पीएच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस होता है बच्चों, तो वैसे ही ये सब फॉर्मूले आना चाहिए आपको। सिमिलरली पी के इक्वल माइनस लॉग के, सो इन प्लेस आप देखो माइनस लॉग के है ना, अरे 1/2 है तो 1/2 फॉर्म में लिखना, तो मैं इसकी जगह पी के लिखूंगा। सो वी कैन राइट हियर पी एच इक्वल माइनस, माइनस की जगह पर माइनस हट जाएगा पूरा, और ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 रहेगा, और क्या आ जाएगा पी के ए, पी के ए, पी के ए माइनस 1/2 लॉग सी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, और इस फार्मूले का यूज हम मोनोबेसिक एसिड का पीएच निकालने के लिए किया जाएगा। कब? जब उसका पीके दिया, पीके नहीं दिया बट के दिया हुआ ना, तो इस फार्मूले से हम पीके निकाल सकते हैं, और उसका एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया, उस एसिड का क्या दिया कॉन्सेंट्रेशन, तो इस फार्मूले से हम पीएच क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? तो यह किसके लिए अप्लीकेबल है? मोनोबेसिक एसिड के लिए, वो भी कैसा? वीक एसिड हो, कैसा एसिड हो? वीक एसिड हो। तो यह आपका रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये आपको समझना चाहिए। नहीं समझा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, और इस पर अगले, अगर आपको नहीं कमेंट्स करेंगे मैं अगले लेक्चर में भी इसको समझा सकता हूँ। प्लीज इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और ये कुछ फॉर्मूले आपको आना चाहिए। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ आया? ओके, ये आपके किसके लिए था? एसिड के लिए था। इसी तरह बेस के लिए भी निकाला जाता है, वो भी समझ लिया। सेकंड एप्लीकेशन है फॉर मोनो, मोनो एसिड के लिए था। अब हम बात करेंगे मोनो, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। अब हम कैलकुलेशन करेंगे सेकंड जो एप्लीकेशन है मोनो एसिडिक, एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस का मतलब समझ लें, जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी देखा जाता है, तो वैसे ही बेस के लिए क्या देखा जाएगा? एसिडिटी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? एसिडिटी। एसिडिटी मींस, जैसे बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ एच प्लस आयन गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, सिमिलरली बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ ओएच आयन, क्योंकि बेस ओएच जनरली देता है ना, तो जितने ओएच आयन एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने के बाद फॉर्म होगा वही उसकी संख्या क्या कहलाएगा? एसिडिटी कहलाएगा। जैसे अगर हमारे पास NH4 OH हो, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे NH4 प्लस और OH आयन, इसमें केवल एक ही OH फॉर्म हो रहा है, अतः इसका एसिडिटी जो होगा दो होगा। क्या होगा बच्चों? दो होगा, ठीक है, सॉरी दो कर एक होगा, वन होगा, सॉरी वन होगा, क्योंकि वन OH दे रहा है। अगर यही बेरियम हाइड्रोक्साइड रहता BOH का होल ट्वाइस, तो बताइए इसमें कितने OH रिलीज करेगा? दो। तो इस केसेज में जो इसका एसिडिटी होगा वो आपका कितना होगा? दो होगा, क्योंकि ये दो OH अकेले ही दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी का मतलब ध्यान देते हैं। तो चले देखें, इसके लिए भी हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट और पीएच ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखें कैसे किया जाएगा। तो मान लें हमारे पास कोई भी बेस है, जैसे NH4 OH लेके चल रहा हूँ, या कोई वीक बेस ले लिया बी ओ एच जो आयनाइज होकर बी प्लस और ओ एच आयन दे रहा है। मान लिया गया ये एक बेस है, वो भी वीक बेस है और मोनो एसिडिक बेस है। मोनो एसिडिक मीन्स केवल एक ही ओ एच आयन देने वाला बेस है। तो इस समय जो इसका इनिशियल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लिया गया सी सेम, जब टाइम जीरो तो जीरो जीरो, जैसे टी टाइम लगा तो सी अल्फा, सी अल्फा में डिसोसिएट हुआ, सी अल्फा से, तो ये बचेगा सी माइनस सी अल्फा। ये किस पे होगा? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर होगा, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबल अस्थाई हो गया। अब अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? के बी। एसिड के लिए लिखते थे के, इसके लिए क्या लिखेंगे? के बी। के बी मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो के बी इक्वल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड बी प्लस
NOH आयन अपॉन बी ओ एच। अब वैल्यू पुट करें इन प्लेस ऑफ बी प्लस सी अल्फा, इसके जगह भी क्या होगा सी अल्फा और अपॉन सी माइनस सी अल्फा। सी कॉमन लेकर सी कैंसिल कर देंगे सेम इसके पहले जैसा, और ये बचेगा अल्फा स्क्वायर सी अपॉन वन माइनस अल्फा। एक तो फार्मूला ये हो गया। इस फार्मूले का यूज वैसे जनरली ये देखा गया, इस फार्मूले का यूज या इसके एसिड वाले में जब 5% से अधिक डिसोसिएशन होता तब यूज करते हैं बच्चों, क्योंकि बेस बहुत मतलब बेस कैसा लिया गया वीक बेस लिया गया, तो फॉर वीक बेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू विल बी नियरली लेस, जो अल्फा वैल्यू होगा बहुत ही लेस होगा, सो जो 1 माइनस अल्फा होगा नियरली जो होगा 1 के बराबर होगा। सो इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस अल्फा प्लस क्या रखेंगे 1, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा सॉल्यूशन में। सो के बी इक्वल अल्फा स्क्वायर क्या हो गया सी हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू सी हो गया। सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बेस, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस, के बी क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो यह आपका के बी और अल्फा में रिलेशन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले पहले तब हम पीएच और एच प्लस बताएंगे। नाउ अब हम बात करेंगे इसमें पीएच कैसे निकाला जाता है। एसिड में तो एच प्लस है ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा ओएच है। अब इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन OH का निकाल के H निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे चलिए देखें। तो हम पढ़ें अभी जो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या था C अल्फा था, C अल्फा भी जस्ट इसके नीचे लिखा गया इसके पहले OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा। और हम ये भी पढ़े हैं के बी इक्वल सी इंटू अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा वाली निकाल लीजिए अल्फा इक्वल के बी बाई सी का अंडर रूट कर लें, अल्फा इक्वल के बी बाई सी का स्क्वायर रूट। सो इस अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन टू से, तो टू में रखेंगे तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन इक्वल सी इंटू के बी अपॉन सी का स्क्वायर रूट। ठीक है अल्फा है ना अल्फा है यहाँ रख दिया गया, सेम इसके पहले वाला पैटर्न यूज करेंगे ओएच इक्वल आपका सी हाफ है सी ऊपर वन है तो सेम आएगा अंडर रूट के बी या स्क्वायर रूट के बी इंटू सी, टोटल का अंडर रूट आ गया। तो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला जो है उस समय में यूज करेंगे जब आपके क्वेश्चन में कंसंट्रेशन आप ओएच आयन पूछे और के बी और सी दिया हो, तो आसानी से इस फार्मूले से हम कंसंट्रेशन आप ओएच आयन निकाल सकते हैं। अब पीएच कैसे निकालेंगे तो चलिए देखें पीएच के लिए, चूंकि बेस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं पीओएच, pOH, pH इक्वल माइनस लॉग OH आयन, जैसे pH इक्वल था माइनस लॉग H प्लस आयन तो सिमिलरली pH इक्वल माइनस लॉग OH आयन, सो pOH इक्वल माइनस लॉग। अब देखें OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है KB इंटू सी, ध्यान रखिए KB इंटू सी इसका टोटल क्या है स्क्वायर रूट हो गया, या pOH इक्वल माइनस लॉग KB into C का पावर 1 by 2, सेम थिंग C 1 by 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर। अब इसे हम क्या करेंगे अब लॉग m पावर n, तो n लॉग m सेम इसके पहले वाला जो यूज किया गया टर्म 1 by 2 log KB into C, या pOH equal minus 1 by 2 log KB plus log KB plus log क्या हो जाएगा C हो जाएगा ब्रैकेट में। इतना समझ आ रहा है बच्चों बताइए, देखें लॉग m इंटू n लॉग m प्लस n लॉग kb प्लस लॉग लॉग c हो गया, माइनस 1 बाई 2 को अंदर करिए तो क्या हो जाएगा pH इक्वल माइनस 1 बाई 2 लॉग kb प्लस माइनस हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से फार्मूला यूज करेंगे, जैसे हम लोग पढ़े हैं पी के मतलब आप पढ़े हैं पी के इक्वल माइनस लाग के, तो ऐसे पी के बी होता है पी के बी इक्वल माइनस लाग के बी होता है बच्चे,
माइनस लाख के वी को हम कहेंगे पी के वी। अब माइनस लाख के वी क्या कहते थे, पी के। तो याद रख रहे ये सब फॉर्मूले कुछ है जो आपको आना चाहिए। तो पी के वी इक्वल माइनस लाख के वी। सो यहां देखें माइनस वन बाई टू लाख के वी है, तो वन बाई टू के फॉर्म में माइनस लाख के वी है या नहीं है। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं तब पी एच इक्वल वन बाई टू माइनस थर्ड गया और क्या हो जाएगा पी के बी वन बाई टू पी के बी और ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग सी। ये आपको फार्मूला हो गया। और हमें भी पढ़े हैं पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल 14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पी एच और पी ओ एच का जो सम होता है हमेशा 14 होता है। सो हम इस फॉर्मूले से कभी भी क्वेश्चन में पी एच ही पूछेगा तो पहले हम पी ओ एच निकालेंगे और यहाँ वैल्यू रख देंगे तो पी एच क्या हो जाएगा आसानी से निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले पी ओ एच और पी ओ एच का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना पी एच आ जाएगा। सो पी एच इक्वल लिख सकते हैं 14 माइनस पी ओ एच। इस फार्मूले से हम पी एच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके रहे कुछ फार्मूले और ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का एप्लीकेशन था एसिड के लिए और बेस के लिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखा गया और इनका रोल जो है आप देखेंगे मैक्सिमम केसेज में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें इन फार्मूले पर क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों और कमेंट्स जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीनशॉट ले पहले वेल स्टूडेंट्स अब आपको एक क्वेश्चन मैं यहां बता रहा हूं। देखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 10^-2 MSCl सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन ऑफ पीएच प्लस आयन इज द 10^-3 M। ये आपके क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपका अल्फा पूछ रहा है जिसमें दो चीज दिया, एक HCl का कंसंट्रेशन दिया और एक आपका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया। तो सबसे पहले अगर हम HCl को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि HCl एक वीक एसिड है और H प्लस और ये जुटेगा Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में। अगर इसका कंसंट्रेशन Cb इसका 0 0 और इसको कर दे अल्फा C और इसको अल्फा C तो C माइनस सी अल्फा ये होगा। आप समझ रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कह रहा है, हमारा रिलेशन किस में है, H प्लस में और अल्फा में। तो देखें इस इक्वेशन से जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो क्या है, अल्फा इंटू सी है, अल्फा इंटू सी है बच्चों, अल्फा इंटू सी है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्वेश्चन में दिया 10^-3 तैयार है, दिया 10^-3 अल्फा नहीं पता यही पूछ रहा है। और कंसंट्रेशन ऑफ सी जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड होता है, जान लीजिएगा सभी लोग। तो हाइड्रोजन साइनाइड का कंसंट्रेशन कितना दिया 10^-2 तो 10^-2 रख लीजिए। सो अल्फा इक्वल हो जाएगा आपका 10^-3 अपान 10^-2 हो जाएगा, 10^-3 और जब ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10^-1 या 0.1 यानी अल्फा वैल्यू होगा 0.1। अगर परसेंटेज में पूछता है, अगर परसेंटेज में पूछे कितना परसेंट तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 × 100 यानी 10% यानी 10% अर्थात अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बात करते हैं तो अगर हमारा हाइड्रोजन साइनाइड का कंसंट्रेशन 10^-2 लिया जाए और उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन 10^-3 हो तो उस समय जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ होगा HCN वह 10% हुआ होगा। इस फॉर्मूले से समझ गए क्वेश्चन कितना सिंपल है, आप देख ही रहे हैं। लाइक शेयर जरूर करें बच्चों और ऐसे क्वेश्चन अभी और मैं बताऊंगा तो आपको समझ आया कि नहीं आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लें। वेरी स्टेंट सेकंड क्वेश्चन फाइव डेसी मोलर ऑफ एस्टिक एसिड सॉल्यूशन यानी डेसी मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया गया और इफ
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एन के 10^-5, देन फाइंड आउट क्या अल्फा एच प्लस और पी एच, इतने चीज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आए? और समझे, मान लो हमारे पास कोई एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन डेसी मोलर दिया, यहां देखिए डेसी मोलर दिया, तो पहले इसको समझे इस टर्म को डेसी मोलर होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं जो मोलारिटी होता है उसको कई उसके अलग अलग मोलारिटी का अलग अलग तरीके से नाम बताएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 1m यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1 हो तो उसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? मोलर सॉल्यूशन। जिसका मोलारिटी 2m हो, समझ गए ना, उसको बोलेंगे बाईमोलर सॉल्यूशन, बाईमोलर सॉल्यूशन। ऐसे 3 हो ट्राईमोलर, 4 हो टेट्रामोलर, 5 हो पेंटामोलर, 10 हो तो डेकामोलर। यहाँ पर डेकामोलर था, डेसी नहीं बच्चे, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, डेकामोलर है डेसी नहीं, इसको डेका कर लेंगे, डेकामोलर। तो बाईमोलर, ट्राईमोलर, टेट्रामोलर, पेंटामोलर, ऐसे हेक्सामोलर, नोनामोलर, डेकामोलर। डेकामोलर का मतलब जिसका मोलारिटी कितना हो, 10 हो। डेकामोलर का मतलब मोलारिटी 10 हो। अगर वही डेसी रहता तो 1/10 हो जाएगा, 1/10। अब मान लो लिखा 1/2, m/2 का मतलब सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर m/5 लिखा हो तो पेंटी मोलर सॉल्यूशन। अगर m/10 हो तो डेसी मोलर। समझो बच्चों, अगर m/100 सेंटीमोलर सॉल्यूशन। ये आपको आना चाहिए, ये जो है मोलारिटी है उसका अलग अलग नाम रखा गया, जब कंसंट्रेशन अलग अलग रखा गया। तो कह रहा है फॉर डेका मोलर ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू 10^-5, देन फाइंड आउट द ऑल द वैल्यू। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले, ये साइड बना। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले अल्फा और एसिटिक एसिड है CH3COOH, आयनाइज करेंगे एसिटेट आयन और एच प्लस आयन, कंसंट्रेशन सी, इसका C अल्फा, इसका C-C अल्फा। तो चलिए देखें पहले क्या कर रहा है, अल्फा निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम इस फॉर्मूले में क्या पढ़ेंगे, K=C α² क्या था, 1-α। तो 1-α लगभग क्या माना गया था, 0 माना गया था उसको, तो 1 - α को 0 मान लिया गया था। तो आपका फार्मूला ये आ रहा था, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसके लिए फार्मूला K=C α² इस टोटल के लिए आ रहा था। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे, इसमें अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा K/C। तो अल्फा इक्वल ये अल्फा स्क्वायर, K का वैल्यू देखिए कितना है, 10^-5 है। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है, डेका मोलर 10, 10 हो जाएगा। तो 10 जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ये भी ऐड हो जाएगा, सो अल्फा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10^-6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या अल्फा इक्वल हो जाएगा √10^-6। और 10^-6 का अंडर रूट करेंगे क्या होगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 10^-3। तो यह आपका अल्फा का वैल्यू है 10^-3। 10^-3 ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर परसेंटेज में पूछता, तो 10^-3 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो यह हो जाएगा 10^-1 या 0.1%। अब देखो 0.1% अर्थात अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम है, देख रहे हैं ना, इसीलिए वहाँ 1-α जो अल्फा था उसको 0 माना गया था, यानी 1-α लगभग 1 के बराबर, इसीलिए फॉर्मूला यूज किया गया। यहाँ पर डिसोसिएशन बहुत ही लेस हो रहा है, समझ गए बच्चों? तो यह अल्फा इक्वल इतना, अल्फा इक्वल 10^-3 होगा, लेकिन अगर परसेंटेज पूछे तो आपको आ जाएगा 0.1%। क्लियर? यह पहले क्वेश्चन का आंसर था, इसे नोट कर लें। सेकेंड कह रहा है H प्लस का कंसेंट्रेशन का C × α। अब रख दे इस फॉर्मूले में, अभी हम पढ़े हैं कंसेंट्रेशन ऑफ H इक्वल C × α। तो C कितना दिया है भाई, यही दिया डेका मोलर, डेका मोलर मतलब 10,
अल्फा कितना निकाला गया अभी, 10^-3, यही क्या है 10^-3, तो ये कितना जाएगा 10^-2, ये आपका एच प्लस का कंसेंट्रेशन हो गया, किसमें आएगा मोल पर लीटर में या कैपिटल एम में, ये आपका कंसेंट्रेशन आप एच प्लस आयन हो गया, भी हो गया आपका क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा अगर आप पी एच, तो पी एच इक्वल हम पढ़े हैं माइनस लॉग एच प्लस आय, ये पढ़े हैं, या पी एच इक्वल आप क्या करिए माइनस लॉग एच प्लस का क्या ले रहे हैं 10^-2 रख देंगे, एच प्लस का कंसेंट्रेशन है ये। अब हम पढ़े हैं एम पावर एन इक्वल एन लॉग एम, सॉरी एन पावर एन लॉग एम पावर एन, एन एन लॉग एम होता है ना, सो माइनस टू इधर कर दें तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस टू आ जाएगा और लॉग टेन का वैल्यू कितना होगा 1, सो पी एच कितना हो जाएगा 2, क्योंकि लॉग टेन का वैल्यू 1 होता है बच्चों, लॉग टेन का वैल्यू 1, क्योंकि माइनस दो इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और लॉग टेन और लॉग टेन का वैल्यू 1, सो पी एच वैल्यू विल बी 2, यानी इस सॉल्यूशन का जो पी एच होगा वो कितना होगा 2 होगा। समझ आ रहा है आप लोग को, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे बच्चों आप, तो यहाँ इस सॉल्यूशन का पी एच 2 होगा, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको आज का जो टॉपिक जो पढ़ाए हैं अप्लीकेशन ऑफ पोस्ट वाइल डाइल्यूशन ला और हाउ टू कैलकुलेट द पीएच एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड ओएच आयन एंड के एंड के वी ऑल द फार्मूला आई टॉट, तो आपको समझ कम्प्लीटली आ गया होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करेंगे और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है बच्चों, ओके, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।